खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान ने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। जी हाँ, सलाम है उन सभी वैज्ञानिकों को जिनके प्रयास से आज भारत यहां तक पहुंचा है। हालांकि चंद्रयान 2 अपने विजन से सिर्फ 2 कदम दूर रह गया, लेकिन विज्ञान के सफर में देश नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मिशन चंद्रयान 2 अब तक पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि चंद्रयान मिशन रुक गया है। रुकावटें जरूर आई हैं, जिस पर इसरो के जो काबिल वैज्ञानिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लैंडर विक्रम अपनी मंजिल चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंचा है। 2.1 किलोमीटर से पहले लैंडर विक्रम रास्ते से भटका, 335 मीटर पर इसरो से संपर्क टूटा। इसरो ने अभी सिर्फ संपर्क टूटने की बात कही है, इसलिए उम्मीद कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। चंद्रयान का जो अभी तक का अपडेट है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। विक्रम से संपर्क टूटा ऑर्बिटर, लेकिन अभी भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। हमें अभी भी ऑर्बिटर से कई डिटेल्स चंद्रमा के मिलेंगे और विज्ञान, जिसे कहा जाए कि परिणामों का मोहताज नहीं होता है बल्कि कामयाबी का एक नया सफर जो है वो उस के बाद शुरू होता है। तो चंद्रयान 21,600 किलोमीटर की रफ्तार से चला। चंद्रयान की रफ्तार 7 किलोमीटर तक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसी के बाद जब रफ्तार कम होती तो चंद्रयान लैंड करता। ब्रेक लगाकर चंद्रयान को नीचे की ओर लेकर आना था, यह सबसे बड़ी चुनौती थी वैज्ञानिकों के सामने। ब्रेक लगाने में दिक्कत आई और उसी के चलते ये संपर्क टूटने की बात कही जा रही है। आखिरी पलों में जो कुछ भी हुआ वो इसरो के कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर दिखा। आप भी देखिए और समझिए कि क्या हुआ। चंद्रयान 21,600 किलोमीटर की रफ्तार से चला था। चंद्रयान की रफ्तार 7 किलोमीटर तक करनी थी। ब्रेक लगाकर चंद्रयान को नीचे की ओर लेकर आना था। संभवतः ब्रेक लगाने में दिक्कत से ये संपर्क टूटा। लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया वैज्ञानिकों का। ऑर्बिटर पर अभी भी हालांकि काम जारी है। ये आप ग्राफ देखिए, ये जो हरी लाइन है उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे वो अपने पथ से भटक गया। The landing site for initial operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. Velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meters per second. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. तो आपने इसरो चीफ के सिवन को सुना, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो लैंडर था उसका संपर्क टूट गया। महज 2.1 किलोमीटर रह गए थे। प्रधानमंत्री मोदी रात भर इसरो के कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहे। चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग हो जाती तो इतिहास रच जाता। जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुआ। जो नहीं हो सका उससे इसरो के वैज्ञानिकों में उदासीनता छा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। सुबह 8 बजे फिर से इसरो सेंटर पहुंचे और कहा कि वैज्ञानिकों के दर्शन करने आए हैं। मोदी जब वैज्ञानिकों का भरपूर हौसला बढ़ाकर लौटने लगे तो ऐसी तस्वीर दिखी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मोदी ने इसरो चीफ के सिवन को गले लगाया। देश का शासन जो प्रमुख है उन्होंने इसरो के प्रमुख को गले लगाया। मोटिवेशन की इससे बेहतरीन तस्वीर और क्या होगी। भावनाओं का सैलाब था, 11 साल की मेहनत थी वैज्ञानिकों की। ये बहुत मानवीय व्यवहार है, जब हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा नहीं होता है तो इस तरीके से निराशा आ ही जाती है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सिवन को गले लगाया, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि आगे बढ़ना है। और अब हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि के सिवन जो इसरो के चीफ हैं, क्या उपलब्धियां हैं उनकी, कौन है के सिवन, क्यों जाता है उनको इस पूरे चंद्रयान को जिस तरीके से वो 2.1 किलोमीटर तक कक्षा में लेकर गए, कैसे सफलता के नए आयाम उन्होंने पूरे किए। पूरा नाम
कैलाश वादिवु सिवन है। 2018 में इसरो के चीफ बने थे। कन्याकुमारी के किसान परिवार में जन्मे। एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं के सिवन। परिवार के पहले ग्रेजुएट। कभी ट्यूशन नहीं मिला के सिवन को, लेकिन आप सोचिए, एक सपना होता है वैज्ञानिक का, इसरो का चीफ बनना। यहां तक उन्होंने सफर पूरा किया। 1980 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली के सिवन ने। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स के बाद पीएचडी करी के सिवन ने, और बहुत लंबा सफर तय करके इसरो चीफ वो बने। पीएसएलवी प्रोजेक्ट के साथ 1982 में इसरो से वो जुड़े थे। तो आप अंदाजा लगाइए, लगभग 25 से 30 साल का सफर है उनका। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो एक लंबा चौड़ा उपलब्धियों का इतिहास है के सिवन के नाम के साथ। हालांकि ये सफलता उन्हें नहीं मिल पाई जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन के सिवन की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं। चंद्रयान को लेकर काफी गंभीर और वैज्ञानिक चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की साहित्यिक व्याख्या भी की। समझाया कि अब तक चंद्रमा की रोमांटिक कहानी थी, अब चंद्रयान भी रोमांटिक हो गया है। कभी को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा। विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है, और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। मैं खुद भी इस मिशन के दौरान, चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वैज्ञानिकों को उदास देखा, उदासी का भाव उनके चेहरे पर देखा, तो पीएम मोदी ने कई बातें ऐसी कही जिससे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़े, देश का हौसला बढ़े। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को पत्थर पर लकीर खींचने वाला कहा। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। पावर में से एक है तो उसके पीछे आप सभी का, दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को
चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिरकार हम चांद से सिर्फ दो कदम दूर कैसे रह गए। हम कोशिश करते हैं उन सवालों के जवाब देने की, हम समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मेरे साथ वैज्ञानिक है निमिष कपूर, जो कि विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। निमिष जी, आज हम अब कहाँ तक पहुँचे, क्यों नहीं लैंड किए, उन सवालों के जवाब तो हम समझेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आज सुबह एक बहुत भावुक तस्वीर हमारे सामने आई जब इसरो चीफ के सिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगे और भावुक हो गए। एक वैज्ञानिक की कितनी मेहनत होती है, कहां तक पहुंचकर वो इस पद तक पहुंचता है और असफल होने पर क्या उसको लगता होगा, पहले आप हमें वो समझाइए ताकि हम उस तस्वीर का अर्थ अच्छी तरह अपने दर्शकों को समझा सकें। जी बिल्कुल शोभना, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक जब कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट करता है, वो चाहे स्पेस मिशन हो या कोई बायोटेक्नोलॉजी की बात हो या नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। कोई भी प्रयोग, कोई भी अनुसंधान एक दो दिन में नहीं होता है, इसमें सालों सालों की तपस्या होती है, जो यहाँ 10-11 वर्ष आपने बिताए सिवन साहब ने और इसरो की टीम ने, तो एक भावुक पल है। और देश का मुखिया जिस तरह से इसरो के मुखिया की हौसला अफजाई कर रहा है, एक ऐतिहासिक तस्वीर, जब जब चंद्रयान दो की बात आएगी, मिशन चंद्रयान की बात आएगी, तब तब ये तस्वीर सामने आएगी और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करेगी, ना केवल हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक बल्कि वैज्ञानिक समुदाय को। प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि देश का जो शासन है, देश का मुखिया है, उनके साथ हर समय खड़ा हुआ है। और आप देखें, जितने भी इसरो के मिशन हुए हैं और देश में जो भी हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री हर समय हर वक्त खड़े रहे हैं और अपने संबोधनों में, अपनी स्पीचेस में हर समय उन्होंने विज्ञान की हौसला अफजाई की है और देश की तरक्की से विज्ञान को जोड़कर देखा है। मुझे अभी, मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा, जो हमारे विक्रम साराभाई हैं, उनका जो कथन था, आज वो जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे और उन्होंने एक उनका बहुत ये अक्सर इसको याद किया जाता है उनके कथन को, कि जो हम हमारे जो शासक हैं वो केवल शासन ना करें, हमारी सरकार देश की जनता की ऊर्जा को एकजुट बनाए और उसमें तरक्की में उनको साथ लेके चले, और वो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर आंखें नम हुई आज के सिवन की, तो हम ये बताना चाहते हैं कि के सिवन आप अकेले नहीं हैं, 125 करोड़ जो लोग हैं उनकी आंखों में आज आंसू हैं, नम है, इसलिए नहीं कि हम चांद तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि हम सलाम करते हैं आपकी मेहनत को कि हम यहां तक तो पहुंचे।